बड़ी और अहम जानकारी, सपा और आरएलडी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज बैठक होगी। सुबह 10 बजे सपा कार्यालय में ये बड़ी मीटिंग होगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक को लेंगे। आरएलडी के विधायकों की भी आज बैठक होनी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज बैठक लेंगे। आपको बता दें कि बड़ी और अहम खबर, दोपहर 12 बजे आरएलडी कार्यालय में मीटिंग होगी। तो सुबह 10 बजे जहां पर अखिलेश यादव ये मीटिंग करेंगे, जबकि 12 बजे आरएलडी कार्यालय में बड़ी बैठक होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे आरएलडी कार्यालय में ये बड़ी बैठक होनी है, जिसे आरएलडी प्रमुख संबोधित करेंगे, जबकि 10 बजे अखिलेश यादव सपा कार्यालय में मीटिंग करेंगे और सपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक को लेंगे। इसके साथ ही आरएलडी के विधायकों की भी आज 12 बजे बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? 10 बजे भी बैठक होनी है, 12 बजे भी बैठक होनी है, लेकिन बड़ी बात यह कि ये बैठक एक साथ न होकर अलग अलग समय पर हो रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 10 बजे बैठक बुलाई गई है और आरएलडी कार्यालय पर भी बैठक बुलाई गई है। दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। ऐसे में एक ही दिन दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अपने नव निर्वाचित विधायकों से बात करेंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 10 बजे अखिलेश यादव ने अपने सभी नव निर्वाचित विधायकों को पार्टी कार्यालय पर बुलाया है। वहां पर एक मंथन चलेगा, बैठक होगी और जो नए विधायक हुए हैं उनसे पहली बार मुलाकात करेंगे, जो चुनकर आए हैं। इस बारे में लगातार बैठकें पहले भी हुई हैं, अलग अलग विधायकों से मिले हैं, लेकिन ये पहला अवसर होगा कि अखिलेश यादव सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ सभागार में बैठक करेंगे। और जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से संघर्ष किया है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही एमएलसी चुनाव के दौरान जो जगह जगह पर नामांकन को लेकर झड़प हुई है, विवाद हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर करने वाले हैं। इसी के मद्देनजर ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बैठक में अपनी आगामी रणनीति भी बनाएगी और विधायकों को किस तरीके से क्षेत्र में काम करना है, जनता से कैसे जुड़ना है और समाजवादी पार्टी के संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी के संगठन में भी बदलाव हो सकता है। जिस तरीके से रिपोर्टें आई थी कि जगह जगह चुनाव के दौरान कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की थी, उनकी जो कमजोरियां हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अपने नव निर्वाचित विधायकों से फीडबैक लेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। साथ ही समाजवादी नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।